अब जब लॉकअप शो में तो जरूर चले गए, तो वहां पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। एंड निशा ने ऑफकोर्स मुझ पे झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं, जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है। ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊँ तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है। तब तक झूठे केसेस मेरे फादर मदर भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं। पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे, वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूँ, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूँ कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद मैं शायद कुछ। और क्या सबूत दोगे यार आप, जब कोई बोल देता कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप, टेल मी, अनटिल अनलेस यू डोंट कैच देम इन द एक्ट, दैट इज द थिंग। अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है। बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं, आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हज़ारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया, सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स।